देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार, विभाग का बंटवारा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है और उसके संदर्भ में वो समय पर निर्णय ले रहे हैं। विभाग भी मिलेगा समय पर ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। तमाम नेताओं ने कल मंत्री पद की शपथ ले ली और अब जल्द ही जो मंत्री बनाए गए हैं नए, उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा उसका फैसला होना है। इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। विजय सिन्हा कहते नजर आए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो या फिर मंत्रालय का विभाजन, ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अधिकार है और वो इसको लेकर जल्द ही फैसला कर लेंगे। तो वहीं आपको बता दें, इस वक्त एनडीए में खटपट की खबरें लगातार सामने आ रही है। कारण ये है कि चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट दी जा रही है एनडीए की ओर से, जिस पर लगातार उनके चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस भी दावा ठोकते नजर आए हैं। इसको लेकर भी उप मुख्यमंत्री कहते नजर आए हैं कि कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि पशुपति पारस काफ़ी नाराज नजर आ रहे थे, बड़ा बयान देते नजर आए थे। कल भी उन्होंने कहा था कि उनके पार्टी के साथ अगर अन्याय होता है तो उनके लिए सारे विकल्प जो हैं वो खुले हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लेकिन इस बात को लेकर साफ कहा है कि किसी भी नाराजगी नहीं है, हमारा मुद्दा केवल राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है और पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करना हम सभी के लिए गर्व की बात है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पहले आप वो सुने। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार, विभाग का बंटवारा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है और उसके संदर्भ में वो समय पर निर्णय ले रहे हैं। विभाग भी मिलेगा समय पर ही और पूरी तरह से बिहार के विकास और गति को बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पित है। बैठक क्या खास हो? पार्टी की बैठक है, चुनाव के दृष्टिकोण से भी अब चुनावी माहौल आ रहा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो लगातार बैठक होते रहती है। सारे प्रमुख लोगों का संगठनात्मक बैठक हो या विधायक का बैठक हो, ये बैठक चलते रहती है। एनडीए से इनका जो है पशुपति पारस की नाराजगी है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया। देखिए, मैं बता दूं कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास करती है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में काम करने में लोगों को गर्व महसूस होता है और पूरे देश गौरवान्वित महसूस करता है। और ये सौभाग्य का विषय है कि इस नेतृत्व के साथ चलने वाले को भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। कह तो दिए कि एनडीए गठबंधन में सभी लोग मिल के चलेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद को बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है, सामाजिक समरसता को बढ़ाना है। आपने सुना डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पशुपति पारस की नाराजगी को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए थे। एक और साफ नजर आ रहा था कि पशुपति पारस हाजीपुर की सीट को लेकर नाराज चल रहे हैं, उनके मनचाही सीट उन्हें नहीं मिल रही है, जिसको लेकर वो एनडीए से नाराज हैं। हालांकि इस बात को नकारते नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब पीएम मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि जल्द ही जो मंत्रियों ने शपथ लिया है उनके जो मंत्रालय देना है उसका भी फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही कर लेंगे। तो वहीं चुनाव को लेकर कहते नजर आए कि भाजपा के तमाम नेता हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं और लगातार इसके लिए जो बैठकें हैं वो भी की जा रही है। आपको बता दें, आज ही देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, बड़ी घोषणा हो जाएगी कि कब चुनाव होने हैं, किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव अब सर पर है। उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे थे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।